फिजिशियंस फार्म ऑफ इंडिया की तरफ से मालवीय नगर में हुआ महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन, पहुंचे वरिष्ठ डॉक्टर। रिपोर्ट किरण सिंह तंवर, किन्नी टाइम्स। चिकित्सा को लेकर की गई बातें, दिए गए सुझाव। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फिजिशियन फार्म ऑफ इंडिया में दो महत्वपूर्ण विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य पुरुष टेस्ट के सर्जिकल उपचार में एक नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था। मैं, ये मेरा अपना हॉस्पिटल है, हम दोनों लोग, वो भी मेरा अपना हॉस्पिटल था। यहाँ पे हम दो लोग हैं, मैं हूँ और मेरे दोस्त हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, पर हम दोनों मिलके यहाँ पे जितनी ऑर्थोपेडिक और यूरोलॉजी की सर्जरीज हैं यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो ये जो है दो चीज़ों से रिलेटेड है, एक तो जोड़ों की तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो इसका जो इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आजकल वजह बढ़ती है, इसकी वजह ये भी है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन एडवांस हो रहा है, पहले क्या था कि लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55-65 होती थी, आज लोग 70-75-80 साल तक आराम से जीते हैं। तो जितनी उम्र होगी उतना वेयर एंड टेयर बढ़ेगा, उतने जोड़ खराब होंगे, ये नॉर्मल चीज़ है। और पहले इलाज नहीं था, अब इलाज मौजूद है, अब ऑपरेशन मौजूद है, इसलिए इन ऑपरेशन की बात हो रही है, सर्जरीज की बात हो रही है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और VNA हॉस्पिटल में मैं और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, हम लोग यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज करते हैं। आज यहाँ पर सारे डॉक्टर, धन्यवाद। पहले तो हमारे यूरोलॉजी से संबंधित जो एक बहुत अहम परेशानी है, बहुत कॉमन परेशानी है, वो प्रोस्टेट से संबंधित गदूत की परेशानी होती है। और इससे संबंधित एक नया प्रोसीजर अब आया है जो अब देश में मुमकिन होगा, पहले मुमकिन नहीं था, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, जिसको यूरोलिफ्ट कहते हैं। और मुझे ये बहुत खुशी है कहने में कि हमारा अस्पताल उन गिने चुने अस्पतालों में से होगा जहाँ पर ये प्रोसीजर किया जा सकेगा। तो आज सबसे इसके बारे में चर्चा करने में बहुत अच्छा लगा, और इस चीज़ के बारे में हम चाहते हैं कि हम ये प्रोसीजर हमारे देश में सफलता से कर सकें। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम शामिल हुई, जिसमें डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, शिवालिक नई दिल्ली, DNA अस्पताल के एक प्रसिद्ध सर्जन और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख अलग अलग अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में तमाम विषयों पर डॉक्टर ने अपने सुझाव और चर्चा की कि किस तरीके से हमें आज के आधुनिक और तकनीकी युग में काम करना है और कैसे स्थितियों से निपटा जा सकता है। आपको बता दें कि फिजिशियन फार्म ऑफ इंडिया दक्षिणी दिल्ली के प्रख्यात डॉक्टरों का एक पंजीकृत समूह है। इस फार्म में पिछले 18 सालों से निरंतर चिकित्सा शिक्षा अपडेट के रूप में अनेकों तरह के आधुनिक और तकनीकी आयाम किए हैं। 824 नियमित CME के लिए आयोजित किया गया ये कार्यक्रम, इसमें कॉरपोरेट और सरकारी सेटअप के वक्ता के रूप में कई वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हुए और वक्ता के रूप में बताया कि किस तरीके से हमें मेडिकल में काम करना है और क्या सुधारों की जरूरत है और कैसे हमें तकनीक के आधार पर आज के आधुनिक युग में उपचार करना है। I am a practicing physician in Basant Vihar. सर, क्या कहेंगे आज सारे डॉक्टर के साथ जो है एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस क्या किया, किस तरीके का, किन किन मुद्दे को लेके डॉक्टरी में बात किया गया? सर, ये तो एक बहुत यूनिक एफर्ट है फिजिशियन फॉर्म ऑफ इंडिया का। डॉक्टर चौहान और मेरे साथ मिलके हम लोगों ने इतनी CMEs की हैं फॉर द एनलाइटमेंट ऑफ डॉक्टर्स इन फील्ड ऑफ गिविंग देम यू नो एडवांस्ड एजुकेशन अबाउट ऑपरेशंस, अबाउट ट्रीटमेंट्स। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ऑल दी बिग हॉस्पिटल्स आर एसोसिएटिंग विद अस एंड वी हैव अचीव्ड समथिंग वेरी बिग। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ फिजिशियंस फोरम ऑफ इंडिया का। डॉक्टर PK गुप्ता सर हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं फिजिशियंस फोरम ऑफ इंडिया के। सर, क्या कहें, हम लोग पिछले 18 साल से हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को डॉक्टर्स को बुलाते हैं और कोई भी एक कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक जिसमें कुछ नई डेवलपमेंट हुई हो, कुछ नई प्रोग्रेस हुई हो, कुछ नया डेटा आया हो, उसके ऊपर हम लोग एक कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, ताकि सारे हमारे जो फिजिशियन फ्रेंड हैं वो कुछ उसमें से ग्रहण करें और अपनी प्रैक्टिस में अपने मरीजों के फ़ायदे के लिए, फॉर द लार्जर पब्लिक गुड, उसको अपनी प्रैक्टिस में धारण करें, उसको एग्जीक्यूट करें। सो हमारा जो स्लोगन है या हमारा जो मोटिव है
फिजिशियंस फोरम ऑफ इंडिया में वो है एम्पावरिंग डॉक्टर्स फॉर ए हेल्दी इंडिया। आज तो हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत ही अच्छे स्पीकर्स को, बहुत ही अच्छे लेवल के डॉक्टर्स को जो अपने फील्ड में टॉप पे हों उनको बुलाते हैं, अपने फिजिशियंस फ्रेंड्स को जो मेंबर्स हैं फिजिशियंस फोरम ऑफ इंडिया के उनको अपडेट करने के लिए, और हम उन स्पीकर्स के लिए मॉडरेटर्स रखते हैं सेशन के लिए ताकि वो हमें समझा सकें कि स्पीकर्स का जो बेसिक एम है स्पीकिंग के लिए अपने लेक्चर में लोगों के लार्जर पब्लिक गुड के लिए क्या चाहते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।